क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने खुद के साथ की गई छेड़खानी के मामले में रिपोर्ट दर्ज किए जाने पर पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया है और रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची यही वह महिला है जो कि थाना विजवा क्षेत्र के ग्राम मरहरी की रहने वाली है। यहाँ इसने एक शिकायती पत्र दिया है जिसमें उसने बताया है कि 28 जुलाई के दिन शाम 10 बजे अपने घर पर बच्चों के साथ सो रही थी, तभी राजेश विनोद पुत्र गर्जयवीर टीटू पुत्र विनोद उसके घर के अंदर घुस आए और गाली गलौज करने लगे। इसके साथ ही उसके साथ लात घूंसों से मारपीट करने लगे। जब पीड़ित महिला ने इसका विरोध किया तो उसके साथ छेड़खानी की गयी, उसके कपड़े फाड़ दिए गए। महिला ने जब शोर मचाया तो इन लोगों ने ईंट पत्थर भी मारे। पीड़ित ने जिसकी शिकायत थाने पर की लेकिन थाने पर उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। परेशान होकर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया है और रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की है। माधुरी आज एसपी साहब से शिकायत करने आई, क्या मामला है? तो जी हमें मतलब पंट जा कह रहे कि हम उसमें पंट दिए। कौन कह रहा है? राजेश है, विनोद है और रंजीत। कौन लोग हैं ये आपके? यार हमारे देवर है, जेठ है और रंजीत है, जो कोई उनको बाहर को हुआ। मतलब फिर क्या हुआ? फिर सुबह और फिर कल फिर परसों जो मतलब हमारे को उठाए ले गए। बाजरा रखी तो अंदर पाँच बोरी लाठी रखी थी तो अंदर से जो उठाए ले गए और नशेली भी ले गए और जो ऊपर से ईट पत्थर चलाने लगे सब पे कट्टा बंदूक का खुशी का लेके दे। हम मतलब हमें मानने की धमकी दे रहे, हम तो भाग गए और जो ले गए और फिर आज रात में आए और जिन्हें 4-5 बजे और जो हम जिन्ना में मतलब सब लोग हमें मानने दिखाने करने लगे, वो कुछ होश नहीं आया। और सब मारपीट की थी आपके साथ? मारपीट की थी? मारपीट करी किसकी? थाने ना जो यहीं आए थाने में मैंने